चैनल। तो आज हम जो टेक्निक करने वाले हैं वो है ग्राउंड रेसलिंग की टेक्निक, और सबसे बेसिक टेक्निक आज हम करेंगे जिसका नाम है बारंदाज। तो आज हम बारंदाज लगा के दिखाएंगे किस तरह से ग्रिप लेनी है और किस तरह से हमें घुमाना चाहिए, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज करके दिखाएंगे। और मेरे पार्टनर है आज सविता, बहुत अच्छी रेसलर है ये। तो जैसे कि रेसलर को हम टेक डाउन पोजीशन में ले आते हैं, उसके बाद ये टेक्निक लगती है बैठने के बाद। तो हमें रेसलर के साइड में बैठना है और अपने घुटने को इसके घुटने के साइड में लगा के रखना है। और जो ग्रिप है वो कैसे लेनी है, इस साइड में बैठी हूँ तो मेरा दूसरी साइड वाला हाथ है ये लंबा जाएगा और इस साइड वाला हाथ साइड में रहेगा, मतलब इस साइड की ग्रिप छोटी रखूँगी, इस साइड की ग्रिप लंबा हाथ लेके लंबी रखूँगी। तो इससे मुझे आसानी होगी इसको अपनी साइड खींचने की उसमें। तो बारंदाज कैसे लगती है, बारंदाज को हम इसको रेसलर को अपने ऊपर लेते हैं, उसके बाद रोल करते हैं। तो ये हाथ लंबा होगा तो उसको ऊपर लेने में आसानी होगी। तो इस हाथ को लंबा लेंगे और इसको छोटा। और ग्रिप कैसे लेनी है, ये जो थंब है इसको हम ऊपर रखेंगे ताकि ये जो हमारी हड्डी है वो इसके रिब्स पे चुभा सकूँ। तो जैसे ही वो अनकंफर्टेबल होगा तो वो इजीली हम उसको रोल कर पाएंगे। तो ये हाथ लंबा और ये छोटा, इसको टाइट यहीं टाइट बांध के रखना है। टाइट कैसे करना है ये, और हम अलग ग्रिप कौन सी ले सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं ग्रिप, ये ग्रिप भी ले सकते हैं, जैसे आपस में एक दूसरे हाथ को पकड़ के, और ये भी ले सकते हैं। तो बेस्ट ग्रिप जो है वो मुझे ये लगती है जो फर्स्ट बताई हूँ, ये इसमें हम उसको टाइट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये ग्रिप ली और टाइट करेंगे। टाइट करते ही क्या करना है, जो ये शोल्डर है यहाँ चुभाऊंगी इसके शोल्डर के यहाँ नीचे जॉइंट के पास, ये लंबी ली, ये दबाया, यहाँ भी टाइट किया और ये शोल्डर यहाँ लगाऊंगी, और साथ साथ ये जो पैर है घुटने से घुटने को पुश करूंगी ये, और टाइट करके इसको अपने ऊपर लेना है ये, साथ 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 के साथ हमें ब्रिज बनाना। ब्रिज कैसे बनाना आप देखेंगे, ये ग्रिप ली, ये प्रेशर दिया साइड में, इसको ऊपर लेते ही हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा ये। ब्रिज बनाने से क्या होगा, हम उसकी बॉडी को अपने ऊपर से फेंक पाएंगे, इसलिए ब्रिज इम्पोर्टेंट है इस टेक्निक में। दूसरा, हमें नीचे ग्राउंड रेसलिंग में आने के बाद पोजीशन ज़्यादातर फ्लैट मिलती है नीचे, ये फ्लैट पोजीशन है, तो इससे हम बारंदाज लगाएंगे। तो जैसे कि हमने ग्रिप ले ली, ग्रिप सेम रहेगी, जिस साइड में घुमाऊंगी उससे दूसरी साइड वाला हाथ मुझे लंबा लेना है और इस साइड का हाथ छोटा, सेम प्रेशर देना है। इसके बाद यहाँ प्रेशर रहेगा और सेम घुटने से मैं इसकी बॉडी को अब क्या करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं इसके घुटने को पुश कर रही थी, अब वो फ्लैट है तो मैं इस घुटने से उसकी बॉडी को पुश करूँगी साइड से, और अपने ऊपर लेके सेम ब्रिज बना के रोल करना है। ये ग्रिप ले ली, टाइट किया और शोल्डर से प्रेशर बनाया, साथ ही साथ साइड में अपने ऊपर लेना है सेम, और ब्रिज, ये ब्रिज बनाना। जैसे ही वो मेरे ऊपर आएगा मुझे फटाफट ब्रिज बना के उसको साइड में धकेल देना है, अपने ऊपर नहीं रखना। एक बार फिर देख लो, ये है, ये
लगातार भी लगा सकते हैं। बार बार वही पोजीशन हमें मिल रही है, घुमा के फिर वही पोजीशन आ जाती है, हम फिर मार सकते हैं। और इसके हमें दो पॉइंट मिलेंगे, तो अभी लगा के दिखाएंगे सभी तक। बारंदाज ग्राउंड की जो टेक्निक है हमने वो आज देखी, तो बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक रहेगी और कंपटीशंस में लगती है, छोटे से लेके बड़े कंपटीशंस तक भी लगती है, ओलंपिक्स में भी हम देख सकते हैं ये टेक्निक लगाई जाती है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।